से है जहां पर बारूद फैक्ट्री में ब्लास्टर मामला सामने आया। कंपनी अधिकारी अवधेश जैन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अन्य के खिलाफ भी दर्ज की गई है एफआईआर। विस्फोटक सामग्री के रखरखाव में चूक पर केस दर्ज किया गया है। सुरक्षा मानकों में कमी को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। बीते 25 तारीख को फैक्ट्री में धमाका हुआ था। धमाके में एक की मौत की पुष्टि हुई थी। हादसे के बाद से 8 लोग अभी भी लापता है। कंडरका चौकी में एफआईआर दर्ज हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेमित्रा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कंपनी पदाधिकारी अवधेश जैन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अन्य के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विस्फोटक सामग्री के रखरखाव में चूक पर केस हुआ है। सुरक्षा मानकों में कमी को लेकर केस दर्ज किया गया है। बीते 25 तारीख को धमाका हुआ था और इसमें एक व्यक्ति की जान गई थी। 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। तो वहीं 8 लोग अभी लापता है, उनका कोई सुराग नहीं है। कंडरका चौकी में एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल साहू जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राहुल, अवधेश जैन कंपनी पदाधिकारी, इन पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज तो कर ली गई है। मान लिया गया कि सुरक्षा मानकों पर जो कंपनी थी वो खड़ी नहीं की गई थी, लेकिन जो 8 मजदूरों का सवाल है उसको लेकर भी कोई संज्ञान ले रहा है कि 8 मजदूर कहां लापता है, कहां अदृश्य हो गए, वो कोई जमीन निकल गई, आसमान खा गया। देखिए, लगातार परिजन और जो क्रांति सेना के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, यही 25 तारीख घटना होने के बाद एक ही मांग कर रहे थे कि कंपनी के जो प्रबंधन है, उनके जो ओनर है, उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए करके। लेकिन तत्कालीन में कोई एफआईआर नहीं हुआ था। 5 दिन बीत जाने के बाद में पुलिस प्रशासन ने एफआईआर किया है, विभिन्न धाराओं के तहत में एफआईआर किया है। और उनके साथ में मैं आपको बता दूं कि लगातार 25 तारीख से प्रशासन ये कह रहा था कि हम राहत बचाव कार्य में लगे हैं, मलमा को पहले हटाया जाएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई कीजिए। 28 तारीख को एक आदेश जारी करता है कलेक्टर ने, कलेक्टर वहां पे मजिस्ट्रियल जो जांच की बात कही थी उसका आदेश जारी करता है। 28 तारीख को मजिस्ट्रियल जांच का आदेश जारी हो जाता है। 29 तारीख को फिर एक आदेश जारी करता है, उसमें कंपनी में जितने भी उत्पादन है जारी गतिविधि पे रोक लगा दी जाती है। और 30 तारीख को कंपनी के प्रबंधन के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया जाता है। जी ठीक है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल, लेकिन क्या गिरफ्तारी हुई है किसी की? अवधेश जैन के ऊपर, अन्य के ऊपर टोटल एफआईआर कितनी दर्ज हुई है और क्या कंपनी मालिक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है क्या? देखिए, एफआईआर आज दोपहर में दर्ज की है, अवधेश जैन के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई और अन्य खिलाफ में। अब तो ये अन्य कौन है, कंपनी का ओनर कौन है, ये प्रशासन 5 दिनों में पब्लिक को, ग्रामीणों को और जो पीड़ित परिवार उनको अभी तक नहीं बता पाए कि कंपनी प्रबंधन किसका है, ओनर कौन है, ये किसी को मालूम नहीं है। प्रशासन भी इस चीज को बता नहीं रही है। दूसरी तरफ ये है कि लगातार जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि वो 8 लोग कहाँ हैं। 8 लोगों को जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने लापता घोषित, आखिर वो है कहाँ? क्या वो मलबे में दबे हुए हैं? मलबा तो वहां से निकाल दिया गया है, तो उनकी शव कहाँ है? तो कुछ वहां पे मानव अंग के, जो मलबा हटाने के समय में जो मानव अंग मिले थे उनको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। अब प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आएगा हम किसी चीज पे नहीं बता सकते, और इसी के तहत में 8 लोगों को लापता घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि प्रबंधन और जो पीड़ित पक्ष है उसके बीच में लगातार बातचीत चल रही थी। इसी तहत कल रात को जो प्रबंधन है वो जो 7 पीड़ित परिवार है उसको 30-30 लाख रुपए का मुआवजा का चेक दिया है, लेकिन जो 9-2 और पीड़ित परिवार थे वो चेक लेने से इंकार कर दे। उनका साफ कहना है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए और जो हमको 50 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि लगातार इस चीजों को देख रहे हैं और प्रशासन, पुलिस प्रशासन और लोग और पीड़ित परिवार के बीच में लगातार बात चल रही है। जी लेकिन राहुल, अब तक एफआईआर हुई है सिर्फ, उसके अलावा एफआईआर से आगे बात नहीं बढ़ पाई है। 25 तारीख को हादसा होता है, 30 तारीख है, 5 दिन बीत चुके हैं। क्या पुलिस वहां की किसी एक शख्स को, एक आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब साबित हुई है? बिल्कुल, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की यहाँ पे चूक है कि 5 दिनों बाद में एफआईआर दर्ज हुआ है। आप देखेंगे कि अगर छोटी सी भी मामला होता है तो तत्कालीन प्रथम दृष्टया सूचना जो एफआईआर है वो दर्ज किया जाता है, लेकिन 5 दिन बाद अगर एफआईआर दर्ज किया जाता है तो आप समझ सकते हो कि पुलिस किस तरीके से, किस रफ्तार से काम कर रही है। लगातार जो कांग्रेस के नेता है, जो कांग्रेस की जांच समिति की जो टीम थे, पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, वो एसपी को आवेदन भी दिए थे कि कंपनी के जो मालिक है उसको, कौन मालिक है उसको सार्वजनिक किया जाए और उसके
ऊपर एफआईआर किया जाए, लेकिन आज जो है एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें कंपनी प्रबंधन के जो अवधेश जैन है उसके ऊपर एफआईआर किया गया है और अन्य जो ये अन्य कौन है ये भी जांच का विषय है। और पुलिस प्रशासन से लगातार जो कांग्रेस है वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो दोषी है उनको क्यों बचाया जा रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम सारी जानकारी को साझा करने। उज्जैन से बड़ी खबर है, शराब माफिया के घर पर बुलडोजर।